वाहिगुरु
परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, ख्याल बाहर जान तो रोकिए, चित विरतियां नूं एकागर करिए, रसना दी पवित्रताई दे वास्ते सारे ही उच्चारण करो जी सतनाम। श्री वाहे गुरु। गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश है, दरबार श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कैलगरी कनेडा विखे संध्या वेले दे सत्संग करन दे सानू सुभाग प्राप्त हो रहे हैं। ये दिन जो हैं, ये महीना भी बहुत हिंदुस्तान दे विच गर्मी दा है। ये जिहड़े दो महीने ने जेठ अते हाड़ दा महीना, ये बहुत ही गर्मी हुंदी है। ते ऐसी तपश दे विच तपश में ठांड वरताई, शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज शांत रस, महान शहीद धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने 30 मई 1606 ईस्वी दे विच शहादत दा जाम पीता। ते ऐसा ये करके दिखाया जो प्रैक्टिकल रूप विच, क्योंकि दो तरह दे शहीद हुंदे हन, एक वीर रस शहीद हुंदे ने, दूसरे शांत रस हुंदे हन। वीर रस वीरता सुरवीरता दिखाउंदे होए रण युद्ध दे विच शहादत दा जाम पींदे हन। शांत रस शांति दे पुंज, ओ ए सब कुछ समर्थ हुंदे होए इस तरह की शहादत देंदे हन, जो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज जी ने सिखाई। जो लाहौर दे विच आप जी ने भाणा वरताउण लगे हन, 5 दिन तो लगातार इस तरह के वचन आउंदे हन। एक पासे शरीरक कष्ट दिते जांदे हन, सब तो पहला तो आप जी अर्थमल कोल पहुँचते ने, जो धन गुरु अमरदास पातशाह जी की बिंदी अंश विचों सन, ते उत्थे धर्मशाला दे विच सत्संग करदे हन। क्योंकि यही श्रेष्ठ कर्म है, हर कीर्त साध संगत है, सिर कर्मन के कर्मा कल आपां विचार कीती सी। ते उस तो बाद जो उत्थे इस तरह दे हो रहे हैं, जिन्हां दे विच दरबार भी लाहौर ही सजदा है, राज दरबार दे अंदर ऐसे मते पकाए जा रहे हैं, क्योंकि जहांगीर राज सिंघासन ते बैठा सी उस समय जो इस दा राज सी, राज विद्रोह हुंदा सी, ते ओ ए राज विद्रोह दे कारण इस ने जिहड़े राजसी सन विद्रोही बगावत करन वाले, उन्हां नूं ए मारदा आ रहा है। कट्टण मौलवी जिहड़े सन उन्हां दे अधीन है, शरा दे अधीन है। जे कोई मुसलमान दीन चों जिसने बगावत करी, उन्हूं तां ए मक्के मदीने वल बगदाद वल भेज दिंदा है, ते दूजिआं नूं
इस तरह शहादत दिंदा है। ते जदों ये लाहौर आया, कन्न भरे गए सन चंदू वर्गियां दे, जिहड़ी कलौंबी सी वो आप भी तोज के जहांगीर विच लिखदा है, जिहड़ी निज दी उहदे दी डायरी सी कि इस तकान नूं उहने तां बड़े गलत अक्खर वरते हन, वो किवें बंद करना चाहुंदा सी। ते हुण मौका मिल गया कि जदों ये राजसी सहजादे बगावत करते हुए दशको वर्गे इधर आते हैं कि उन्होंने गुरु पातशाह जी ने वर दिते दशको सच्ची पातशाही हो, इस तरह सिरपाओ दिते भी कहा कि उस समय तुसी उन्होंने पैसा भी दिता। पातशाह कहिंदे तां कोई गल है ही नहीं, इस दर ते गुरु दा दर है। कबीर जह दर आवत जाते हो हटके ना ही कोय, सो दर कैसे छोड़ी है जो दर ऐसा होए। ये पीरां फकीरां गुरु पीरां दा दर है। ठीक है, भावें ये झूठे इल्जाम हन, ते जो 2 लाख दा जुर्माना लाया जांदा कहिंदे तां असीं देना नहीं, क्योंकि गुरु दे जो भी आउंदा ही है शरदा दी भेटा, ये लंगरां ते फिर मंदरां ते परोपकारां विच लगदी है, राजदंड वास्ते ये नहीं दित्ती जा सकदी। फिर अगे चला जांदा चंदू, कहिंदा मैं भी ये खत्री हाँ, मैनूं पता है कि खत्री धन नूं किन्ना प्यार करदे ने, मैं इन्हां तों लैंदा हाँ। ते फिर वो कारण हन, कई कारण ने, पर सतगुरु जी आप भाणा वरताउंदे ने, क्योंकि एक भी कारण सी कि चंदू दीवान बहुत हंकारी सी, इसने लड़की का रिश्ता भेजा उस समय जड़े पंडित होंदे जां दूजे होंदे, वो देख के खानदान रिश्ता पक्क परपक्क कर देंदे सन। ते इत्थे जदों आए गुरु दरबार दे विच, उन्होंने शाही ठाठ वेख के गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे साहबजादे धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने उस दीवान दी लड़की का रिश्ता तय कर दिता। ते जदों वापस दिल्ली गए, दीवान चंदू की कहिंदा, कहिंदे तुसी चवारे दी इट मोरी नूं ला दित्ती, ते ओ पीरां फकीरां दा दर, ते मैं एड्डी वड्डी राजसी हस्ती दा मालक, हस्ती देख भरम ते भूला श्री भगवान ना जानिया, क्योंकि हंकारिया सो मारिया। ते संगत ने जदों चिट्ठी लिखी कि पातशाह ये हंकारी है, जो साढ़े कल नूं गुरु घर विच गुरु माता दा दर्जा मिलना है, उस विच वी इहदी अंस जाऊ, इस करके ये रिश्ता ना मंजूर किया जाए। सतगुरु जी ने, क्योंकि संगत दी मन्नी है, दिल्ली दी संगत दी ये अरदास बेनती बिरथी कदे ना होवी, जन की अरदास नानक जोर गोबिंद का पूरन गुण तास। ते ओ फिर ये शुरू तो ही चलिया आंदा है कि मेरी बांधी भगत छड़ावै, बंद है भगत न छूटे मोहे, एक समय मोको गह बांधे तो फुन मोपे जवाब न होए, मैं गुण बंद सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास, ये सतगुरु जी ने फरमाया। मेरी बनी होई भगत छड़ांदे ने, पांदी बनी ना छुटदी, भगत छड़ांदे बनी
गुरु पातशाह जी ने यह रिश्ता नाम मंजूर कर दिता किन्ने के इस करके आप जी देते किड़ा कष्ट सहारिया आप जी ने, क्योंकि आप जी ने अपना भाणा वरताया है। ये कारण हैं, राशि कारण हैं इस दे पिछे, जो इतना दिना दे विच कदे देख उवाले जांदे हैं, सीस ते तत्ती रेत इस करके पाई जांदी है कि ये तां कष्ट इन्ने सहारदे होए भी
कोई इस तरह के बचन नहीं करते। साईं मियां मीर जी भी आते हैं, उन्होंने क्योंकि उन्होंने एक समय अर्थ पूछे सन, जिमें अर्थमल जी ने जीवन मुक्त दे अर्थ समझाए, तो हुण प्रैक्टिकली गुरु पातशाह जी ने उस समय जदों साई जी आते हैं बड़ा देख के कि असी ये कर दईए, क्योंकि पीर फकीर कोल ऐसी कोई घाट नहीं हुंदी, समर्थ हैं। अदृश्य रूप च योगी सिद्ध गोरखनाथ वर्गे भी आए, तो भाई पुराणा जी उपर हथ चुकते ने कि लाहौर ते दिल्ली दे छैने बजा देने हैं, पर शांति दे पुंच कहिंदे देखो ये भाणा है, ये भाणे नूं मिठा करके मनना है, क्योंकि हुक्म दी खेड है। उस अवस्था ते आप जी प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कि जिथे जाके कोई दुख नहीं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर्पै नहीं जाके, उत्थे जाके ना दुख है ना सुख, उत्थे दुख सुख एक समान है। ते उत्थे फिर साईं मियां मीर जी नू जीवन मुक्त दे जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त, उहदे विच ऐसे अर्थ प्रैक्टिकली समझा रहे हैं। जीवन मुक्ति दे अर्थ समझाए सतगुरु साईं मियां मीर नो, मुक्ति दे अर्थ समझाए सतगुरु साईं मियां मीर नो, फरमाण लगे कि साईं जी तुसी पुछया सी कि किमें हो सकदा तैसा हरख तैसा उसोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਐਸੇ ਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼।
ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ, ਵਰਤੈ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਉਸ ਨਾਮ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕਿ ਸਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹੇ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਿਆਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣਿਐ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਚਿਰ ਵੇਖਦਾ, ਜਿਚਰ ਹੈ ਦੋ ਮਾਹੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਮਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਉਹ ਸੁਣੋ ਉਪਦੇਸ਼, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣੋ ਉਪਦੇਸ਼। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵੈਖਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਮੱਧਮਾ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਪਸੰਤੀ 'ਚ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਬਿਨ ਜੀਵਾ ਜੋ ਜਪੇ ਹੈ ਆਏ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕੈਸਾ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ, ਸਵਾਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰਾ ਬਾਣੀ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਵਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ। ਜੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਪਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੋਂ ਅਹੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਧਿਆਨ 'ਚ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਿਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਨਾਨਾ ਸਤ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੈ ਇਕ ਵਿਦ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ,
ऐसे ब्रह्म ज्ञान दे अंदर एक को ब्रह्म दुतिया नास्ति ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। आज्ञा चक्र चौत्यान तर की सुत उची उठी सहस्रार दल कमल चौलंग के त्याता ध्यान तेदी त्रिकुटी टूटी ज्ञाता ज्ञान गे एक हो गया। हर हर जन दुई एक है दीप विचार सुना है। जल ते उपज तरंग ज्यो जल ही बिखै समाहे तत्म द्वारा अगम अपारा परम पुरुष की काटी। ऐसा जपा जाप जाप तो बदल के ओ अस्ता गुरमुख रोम रोम हर त्याग। फिर तो सारे रमे ही नजर आंदा है। हर हट पी तू तू करे बोले जात देखो ऐसा है ब्रह्म ज्ञान के मनोनाश वास नख तत्व ज्ञान कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान इस अंदर किडी सुरमता सुरमई उस है जेड़ा इस युग विच हर रंग लागू इस युग में है सो कहियत है आत्म जिने सगल वासता के जिसने आत्म चिंतन कीता आपा मटा दता दे विच मैं नहीं प्रभ सब कुछ तेरा जय निर्गुण करत विच वो नगर में आप हर पुने अपना एको आपे ही राजन आपे ही राया कह कह ठाकुर कह कह तेरा कराओ सुफलवंता सात मूर्त से चुपुर नानक सागर बूंद नहीं अन्हेरा काश
सुदराव कासु बलवंता जह जह पेखो तह तह नेरा। उस अवस्था दे विच किन्ना आनंद है, जिन्हां ने चिंतन कीता बाजी जित ली, ठाकुर गाइए आत्म रंग नी पावन नाम ते आवन सहसवावन संग। इत्थों तक पहुंचण वास्ते हर का मंत्र है। जाप होमे खोई हो होमे में बित खोए दूजा मिटे एको होवे। दुख है पामे सुख है, ए सम अवस्था दे विच रहना, सुरत नूं शब्द नाल जोड़ना, स्वास दी मदद लैके सुरत नूं उच्ची चुकना, ए साडा ए मार्ग। जैसे तल में कमल नरालम मुरगाई में सुरत शब्द भव सागर करिए, इस तरह कर दे कर दे इस सिखे सिलक नूं केसां सवासां संग नभाउणा है। स्वासां दी कीमत बहुत है, सतगुर कहिंदे स्वासां राही सांस दी मदद दे नाल सुरत ते शब्द दा समेल होना है। स्वास इक वहीकल हन जिस दे ते मन सवारी करदा है। जो ये करांगे मन आपे बस च आ जांदा, मन टकात आ जांदा है ते नाम चित हो जाईदा है।
सहत मेरा सतगुर जोगी संसार रोगी नाम दारू सारे ही दुखां दा रोगां दा इलाज नाम है। आज देखो सारा संसार रोगी है, कोई नहीं कह सकता कि मैं निरोगी हूं। सतगुरु जी हैं रोग रहत, बाकी तो सारा संसार ही रोगी है। बड़ा रोग होमे दा है, होमे रोग मानस को दीना, सारे रोगों का इलाज। दुखी भी सारे ने, कोई नहीं कह सकता मैं सुखी हाँ। मैं जाने दुख मुझको दुख ऊपर उठो देखो उच्चे चढ़ के देखिया घर घर यह अग नानक दुखिया सब संसार ए होमे करके दुखी है। सिद्धां दे सवाल दा जवाब भी यही सतगुरु जी ने दिता कि कित कित विद जग उपजे पुरखा कित कित दुख दिन सजाई। होमे विच जग उपजे पुरखा नाम बिसरे दुख पाए। दवाई अंदर बाहर लभदा हर औखद सब घट है पाई गुर पूरे बिन ओ गुर पूरे संयम कर दिया सर्व रोग का औखद नाम। इस करके सारे दुखां दा रोगां दा इलाज नाम है। ते उतो तक जदों इस्वास ते गुरमंत्र आ गया नाम तक रसवाई हो जावेगी। सवे दा व्यास सारे करया करो। आओ इत्थे जिन्ना लंबा स्वास लै सको करो, उन्नियों मन नूं शांति पीस ऑफ माइंड प्राप्ति होवेगी, हुणे हो जावेगी। सिद्धे बैठ के नेत्र बंद करके सवेरे सवेरे जरूर करो कर इशनान सिमर प्रभ अपना। मन तन ते अरोगा रात नूं पे कर लो क्यों थके आन दिन दे करी चलो उठत बैठ सोवत नाम फिर देखो सारे दुख रोग दूर हो जाएंगे। रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी ए सारयां दा यही इलाज है। फिर सारिया दुखां दी है दारू इको नाम वाहे गुरु है दारू इको नाम वाहे गुरु
एको नाम गुरु है दारू जी, एको नाम वाहे गुरु Right.
सोए जरूर करया करो, क्योंकि दिन मनाए दा एक तरह की आपां मन नूं मनाउणा है, शहीदी दिहाड़े मनाउणा, मन समझावण कारण कुछ अक पढ़ी है ज्ञान प्यार वराग आउंदा है, क्योंकि बिन बैराग न छूट समाया, ना मैं जोग ध्यान चित लाया, तेनू जरूर जपियो, फिर दिन भी मनाए सफल हो जाते, मन मन जाता, मन दौड़दे ही स्वास्ते है। तो पातशाह जी ने फरमान किया, जिहड़ा इहनू जपियो जपूगा, जपियो जिन कोई भी कर लवे अभ्यास, अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर बनायो, संकट नहीं आ सकता, दुख तदे जा विसर जा, फिर जोन गर्भ, गर्भ विच यही हुंदा सी, गर्भ कुंट में उर्द तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते, बिचों गर्भ निकल आया, खसम बसार दुनी चित लाया, सुचित चेते करो, चिंतन करो, इस तरह आखिरी श्वास ते जदों ये आऊ अंदर नूं जांदे वाहे बाहर नूं जांदे गुरु, करना तो कुछ नहीं सुनना ही है, ये तो सतपुरशां ने इस तरह नाल दस्या, क्यों वो अवस्था का नाम ही ये है, जिन्हां सास ग्रास न विसरे हर नामा मन मंत, धन से नानका पूर्ण सोई संत, अंतकाल नारायण सिमरै सी चिंता में जे मरै, वदत तलोचन ते नर मुक्ता पीतंबर ताके हृदय वसै, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। सो धन्नवाद है महापुरशां दा, बुलंदपुरी एक ऐसा तीर्थ जिथे असी भी जाते हाँ, महापुरशां दे दर्शन करते हाँ, रतवाड़ा साहब भी संगतां दे प्यार विच महापुरश आए, सो जिथे भी साधु जाते ने, क्योंकि कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम, सो इत्थे भी उन्होंने कृपा की है जगह जगह ते, ते दूजी वड्डी बहुत कृपा है कि आने वाले पनीरी नू संभालण वास्ते, जनरेशन नू संभालण वास्ते उन्होंने किड्डा विरसे नाल जोड़िया है, जगह जगह ते जिथे स्थान बनते ने दरबार श्री गुरु ग्रंथ साहब, उत्थे नाल विद्या मंदिर, गोविंद सागर, किड्डे किड्डे स्कूल बने हैं जिन्हां विच अज दाखला नहीं मिलता इन्नी, क्योंकि लोड़ है सारयां दी ही, सो देशां विदेशां दे विच सगंधी फैल रही है, सो ऐसे साधुआं दी संगत सोवत शौरत दा लाहा लईए, सो दो दिन दे सत्संग कीते, इन्हां दे विच जो भी विचारां कीतियां, गुरबाणी अगाध बोध है, अनेक ही भुला हो जांदियां हन, गुरसंगत बख्श दवे, ते जो हुण आउण वाला प्रोग्राम है आप जी नूं प्रबंधक दसणगे, धन्नवाद है सारयां दा, सतगुरां दा कुटान कोट धन्नवाद, महापुरशां नूं बार बार नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।